हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रहा हूं जिसमें है आइडेंटिटीज का प्रूफ। जो थ्री ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं जिस पे बेस्ड लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, एंड ह्यूज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, और इसका प्रूफ आपका एनसीईआरटी का ये वाला बोर्ड में भी और आपके स्कूल के यूटीज वगैरह में भी और हाफ ईयरली में प्री बोर्ड में भी बहुत बार पूछा जाता है प्रूफ दैट। तो मैंने तीनों आइडेंटिटी लिख दी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, एंड कोसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इनमें से किसी एक का या दो का प्रूफ आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए इनका प्रूफ कैसे है। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सभी के लिए एक ही यूनिफॉर्म मेथड है कि वी विल हैव टू कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल। सबसे पहले आपने राइट ट्रायंगल बनानी है और ये आपने थीटा मार्क कर देना है और एंगल एबीसी कहीं मार्क कर, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये अब इसमें अगर फर्स्ट प्रूव करना है तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू साइड। तो वी विल फाइंड साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा देखोगे अपोजिट अपॉन हाइपरन्यूज, तो इट विल बी एसी बाय बीसी। फर्स्ट पॉइंट आ गया। हमें इस साइन थीटा प्रूव करने में स्क्वायरिंग चाहिए, तो आई विल एड स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन हमें चाहिए कॉस थीटा, तो आई विल राइट इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा एडजस्टेड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एबी बाय बीसी, और इसका भी चाहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आई विल राइट देयरफॉर कॉस पर थीटा इज इक्वल टू एबी स्क्वायर बाय बीसी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आ गई। तो आइडेंटिटी वन ये कहती है कि इन दोनों का सम चाहिए, तो वी विल ऐड दीज टू इक्वेशंस। ऐड करोगे तो एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस ऐड हो जाएगा। तो वी ऐड इक्वेशन नंबर वन एंड टू एंड राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इसमें ऐड इस तरह से होगा एसी स्क्वायर बाय बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बाय बीसी स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम बीसी स्क्वायर आएगा और यहां आएगा एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। अगर आप इसे केयरफुली देखें तो एसी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि बीसी स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर कट करके वन सामने लिख सकते हो यहां पर, जो आपने यूज किया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हेंस इट इज प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो देखिए सेकंड आइडेंटिटी के लिए हमें चाहिए sec थीटा, तो इसी ट्रायंगल में वी विल राइट sec थीटा। तो sec आपको पता होना चाहिए cos का उल्टा है, cos है adjacent upon hypotenuse, ये बनेगा hypotenuse upon adjacent that is bc by ab। हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो मैं यही कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, bc स्क्वायर ab स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर वन। देन हमें चाहिए tan थीटा, तो आई विल राइट tan थीटा इज इक्वल टू, अब टेंजेंट आपको पता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, रिमेंबर एसी अपोजिट है और एडजेसेंट ए बी है, इसका भी स्क्वायरिंग चाहिए इसे प्रूव करने के लिए, तो आई विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड लाइक दिस। इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब हमें आइडेंटिटी प्रूव करने के बीच में करना है माइनस, तो आई विल राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलएच में से एलएचएस और आरएच में से आरएचएस सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो दैट इज ये बनेगा sec square theta माइनस tan square theta इज इक्वल टू bc square अपॉन ab square माइनस ac square अपॉन ab square। अगेन एलसीएम ab square है और न्यूमिटर में आएगा bc square माइनस ac square। फिर अगर इसे ध्यान से देखें तो bc square है हाइपोटेन्यूज square और ac square है एल्टीट्यूड square, तो हाइपरन्यूज स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो आई विल राइट ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर और कैंसिलेशन करके वन। और कई बुक्स में इसको कहते हैं नहीं प्रूव इस फॉर्म में ना करके इसको लास्ट पे लिखो सेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके यहां तक करने के बाद वी कैन ट्रांसपोज ऑल्सो, इट मीन्स सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये प्रूव करने को कहें या ये प्रूव करने को कहें, मेथड सारा यही है, सिर्फ लास्ट पे आप ट्रांसपोज कर दो तो इस फॉर्म में भी प्रूव हो जाएगा sec square theta is equal to 1 plus tan square theta और sec square theta minus tan square theta is equal to 1। लास्ट को थर्ड को प्रूव करने के लिए हमें चाहिए इसी ट्रायंगल में सेम फिगर है cosec theta, तो वी विल राइट cosec theta is equal to,
cosec theta, you know that it is the opposite of sine. Sine है opposite upon hypotenuse, ये उल्टा हो जाएगा. It means BC by AC. हमें चाहिए squaring, तो it will squaring both side. Mark it as equation number one. Then हमें चाहिए cot theta. तो I will write cot theta is equal to tangent है opposite upon adjacent. तो cot होगा adjacent upon opposite, यानी AB by AC. AB by AC. अब इसमें भी चाहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन वी विल स्क्वायर बोथ साइड. कॉट स्क्वायर, एबी स्क्वायर, एसी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू. इसे प्रूव करने के लिए चाहिए सेपरेट करना, तो इक्वेशन नंबर वन में से टू को सेपरेट करेंगे सिमिलरली जैसे यहां किया. तो आई विल राइट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो जैसे एलएचएस में से एलएचएस सेपरेट की, आरएचएस में से आरएचएस करके शो करनी पड़ेगी. इट विल बी बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर माइनस AB square upon AC square. LCM लोगे, it will be AC square. Then a numerator में आएगा BC square minus AB square. Again you look it carefully. BC square है hypotenuse square और AB है base square. तो hypotenuse square minus base square is equal to altitude square. तो it will be AC square by AC square और इसका cancellation करके one, hence proved. हमने इसको भी as one prove कर दिया. Again कई बार ये बोलते हैं इसको इस form में नहीं, दूसरी फॉर्म में लिख के प्रूव करके दिखाओ. तो यहां तक सारा सेम कर लो. इतना करने के बाद एक स्टेप ट्रांसपोजिशन का कर दो, तो वी कैन राइट दैट कोसेक स्क्वायर थीटा, ये यहीं का यहीं रहेगा, ये उधर जाएगा, इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव. तो इस तरह से किसी भी आइडेंटिटी का प्रूफ करना हो, ट्राइंगल सेम है, साइड्स का आपको रेशियो पता होना चाहिए और सब में पाइथा की नॉलेज होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम की, और सारे का सभी का प्रूफ बड़े इजिली आपको आप कर सकते हो. तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो जरूर इसका अच्छा सा लाइक दो, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लो और चैनल सलूजा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लो. आपको मैं पूरा सिलेबस यहां प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 9th 10th एंड अलॉन्ग विद लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन विद सिंपल वेज. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.